Hi guys, welcome back to my channel. In this video I will be sharing with you my village house tour. This is my house in village, which is white painted. It has lots of window and balcony. My house has lots of window, ventilation and lots of pillar, like it is a traditional Indian house. Let's get inside the house to show how it looks from inside. एक्चुअली कल दादाजी की वर्सी थी जिसमें हम लोग गाँव आए थे. सो गाइज, रूम थोड़ा सा मैसी हो रखा है, सो डोंट माइंड. हमारे यहाँ टोटल 12 कमरे हैं. अभी मैं वन बाई वन सारे कमरे दिखाऊंगी. ये सीढ़ी है छत पे जाने के लिए. और ये हमारा आंगन है. आंगन में तुलसी का पौधा है. और ये हनुमान जी का ध्वज है. और ये हमारे घर का पीछे का हिस्सा है, जो कि खपड़े का बना हुआ है. और ये काफ़ी पुराना भी है. और ये जो मिट्टी का आप देख रहे हैं, ये अनाज रखने के लिए बना हुआ है, जिसको हम लोग कोठी कहते हैं. और ये रेडीमेड ड्रम है. और ये रहा स्टोर रूम, जिसमें ये मिट्टी तेल और काफ़ी सारे सामान रखे हुए हैं. और ये भी ड्रम है. और इसके ऊपर बहुत सारे अनाज रखे हुए हैं. और ये भी स्टोर रूम है, जिसमें लोहे के सामान और पुराने बक्से, ये सारी चीज़ रखे हुए हैं. और इस गेट का लॉक आप देख सकते हैं कितना पुराना है. ये एक रूम है, जिसमें बेड के साथ साथ किचन भी है. और अभी नाश्ते का टाइम है, लोग नाश्ते में चूड़ा और दही खा रहे हैं. और अभी धान का सीजन है, तो धान है ये. अभी ये खेत से धान आया है. और ये दूसरा रूम है, जो कि मेरी चाची का है. और मेरी चाची गांव के ही सरकारी मिडिल स्कूल में प्रिंसिपल है. अभी ये स्कूल जा रही हैं. और ये हमारी मेड है, जो कि खाना बना रही है. और ये काफ़ी पुरानी है. मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे घर पर 30 सालों से काम कर रही है.
अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जो कि मेरे घर पे है। ये है सोलर लाइट, जिसके ऊपर सोलर प्लेट लगा हुआ है। इसको सनलाइट में चार्ज किया जाता है। और इसमें एक ख़ास बात ये है कि इससे मोबाइल भी चार्ज किया जाता है, आप देख सकते हैं पीछे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा गांव के लिए। वैसे गांव में बिजली भी है, बट अगर कभी ना हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। ये है मेरा बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम। सर्दी के मौसम में मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं इसे हमेशा अपने साथ लेकर ही जाती हूँ। सर्दी के मौसम के लिए काफ़ी अच्छा क्रीम है। आप इसे अपने फटे ओठों पर लगा सकते हैं, फटी एरियों पर लगा सकते हैं, अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, अपने हाथों में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्रीम है। इसके अलावा ये कटे जले या फिर कहीं अगर घाव हो गया है उस जगह पर भी लगाया जा सकता है। अभी हम लोग धूप सेक रहे हैं और यहाँ आके हमें काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद हमें कहीं भी जाने का मन नहीं करता है और यहाँ आके परी भी काफ़ी इंजॉय करती है और जाते वक्त काफ़ी रोती है। अब मैं आपको बाहर के कमरे दिखाऊंगी। ऊपर में दादाजी की फ़ोटो लगी हुई है। ये कमरा है जिसमें पहले दादाजी रहते थे। ये पहले दादाजी का कमरा था। और ये दूसरा कमरा है जिसमें रेंट लगा हुआ है। ये हमारा किचन गार्डन है जिसमें बैंगन लगे हुए हैं। और ये गोभी लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ ये मिर्ची लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। ये बाहर में दो टॉयलेट है। इसके अलावा अंदर में भी दो टॉयलेट है जो कि फीमेल के लिए है और ये बाहर में मेल के लिए है। और ये हल्दी का पौधा है, आप देख सकते हैं हल्दी का पौधा। बाकी सब निकाले जा चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं। और ये बेल का पेड़ है। हमारे दरवाजे पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जैसे सीताफल का, केला का, आंवला का और अमरूद का, आम, लीची, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। वीडियो के एंड में मैं बरसी के भोज की कुछ क्लिप डाल दूंगी।
हमारे यहाँ भोज में ऐसे ही नीचे में बैठा कर खिलाया जाता है। वैसे अगर कोई बड़ा ओकेजन हो जैसे शादी, तो फिर टेबल कुर्सी पर भी खिलाया जाता है। दोस्तों आई होप कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, मुझे अपना प्यार दीजिए। थैंक यू।